हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्पना। हमारे चैनल अल्पना मौसम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, काफ़ी जूसी बनता है। तो फिर चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए मावा और पनीर। तो पनीर लिया है मैंने 100 ग्राम, मावा है 200 ग्राम और ये जो मावा है काफ़ी सॉफ्ट है, इसे हम ढाप कहते हैं, जो कि सॉफ्ट मावा होता है। तो ये सभी होममेड ही हैं। इसमें जाएगा 1/4 कप मैदा। आप मैदे की जगह पे कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। 1/4 चम्मच से ज़्यादा मैदा का इस्तेमाल नहीं करना है। बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, या फिर आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे हो तो आप इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालें। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है जो कि 1/4 चम्मच है। अब इन सभी को इस तरह से मसल मसल कर चिकना करना है, बिल्कुल हमें सॉफ्ट डो लगाना है। तो ये जो है मेहनत वाला काम है। अगर आप मेहनत से बचना चाहते हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर एक बार इसे ग्राइंड कर ले, ब्लेंड कर ले, तो यह चिकना हो जाएगा अच्छी तरह, सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए डो के फॉर्म में आ गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। तो इसे हमें इस तरह से मसलते हुए लगभग 8 मिनट हो गया है। अब यह बिल्कुल सॉफ्ट है, देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, मतलब कि हमारा गुलाब जामुन के लिए डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं चाशनी बनाने की प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। जितना मैंने चीनी लिया है उतना ही हमें पानी डालने हैं, यानी कि दोनों का रेशियो सेम होने चाहिए। इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। चाशनी में हमें कोई भी तार नहीं चाहिए, इसे हमें चीनी घुलने तक पकाना है। तो फ्लेम को मीडियम रखेंगे। चीनी हमारा लगभग घुल गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ केसर के धागे 10 से 12। अगर आपके पास केसर के धागे नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ना डालें। इलायची पाउडर, इसे मैंने कूट लिया है फ्लेवर के लिए। तो ये हमारा चाशनी बनकर तैयार हो गया है। चीनी अच्छी तरह डिजॉल्व हो गया है। चीनी के घुलने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए पकाया है ताकि हल्का सा यह गाढ़ा हो जाए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर अलग रख देंगे। गुलाब जामुन के बॉल बनाने से पहले आप एक बार डो को ज़रूर चेक कर ले। तो तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पे पहले गर्म कर लिया है। जब तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए फिर फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। गुलाब जामुन को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। तो ये देखिए डो हमारा बिखर नहीं रहा है, मतलब कि यह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा हो कि बिखर रहा है तो आप इसमें थोड़ा मैदा और डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग कर लिया है, एक का मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी और दूसरे से काला जामुन। मैंने इसी डो से दोनों बनाया है। तो काला जामुन का जो रेसिपी है उसे मैं अगले वीडियो में डालूंगी। तो चलिए फ़िलहाल बनाते हैं गुलाब जामुन को। तो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है डो का, नींबू साइज का है ये। तो इसे हमें इस तरह से गोल करते हुए चिकना कर लेना है। बड़ी आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए मैंने इसे गोल कर लिया है, इसमें हल्के फुल्के क्रैक्स हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यह बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। अगर हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट रहेगा तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो इस तरह से हमें इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरा बॉल भी तैयार कर लिया है। तो बाकी सभी को हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। तो यहाँ पर इतने सारे बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं, मैंने इसे गिना नहीं है, लगभग 20 के करीब होंगे। तो चलिए अब चलते हैं गुलाब जामुन को फ्राई करने की प्रोसेस में। तो तेल हमारा गर्म है, इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है। जब तेल एक बार गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे। तो इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इस तरह का कढ़ाई लिया है जिससे कि जो गुलाब जामुन है वो जलेगा नहीं। और गुलाब जामुन को डालने के बाद अब एक बार इसे इस तरह से हिला जरूर दे ताकि यह नीचे से चिपके नहीं और अच्छी तरह फ्राई हो। तैर कर ऊपर आने के बाद ही आप इसे इस तरह से चमचे से चलाएं तो यह बिल्कुल भी नहीं फटेगा।
और धीरे धीरे इसमें कलर आने शुरू हो गए हैं। तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं। इसे फ्राई होने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, पर जो कलर हमें चाहिए वैसा भी नहीं आया है। तो अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अब हमें इसे इवनली कलर आने तक फ्राई करना है, मतलब कि एक जैसा कलर आना चाहिए। अब ये गुलाब जामुन हमारा फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है। इसे निकाल लेते हैं। अब इसे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो यह काला जामुन बन जाएगा। अब इसे हमें डायरेक्टली चाशनी में डिप करने हैं। तो चाशनी हमारा हल्का सा गुनगुना है, इसे हमें ठंडे चाशनी में नहीं डालने हैं। तो एक एक करके मैंने सारे गुलाब जामुन को डाल दिया है और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें लगभग 2 घंटे के लिए चाशनी में छोड़ने हैं, तब जाकर चाशनी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, पर मैं आपको बोलूँगी आप इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें चाशनी में, तब जाकर यह चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो 2 घंटे बाद देखिए हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरह चाशनी को पी लिया है। ये देखिए अपने साइज का डबल हो गया है, जूसी गुलाब जामुन हमारा तैयार है। इसे मैंने सर्व कर लिया है। आप इसे गर्मा गर्म, ठंडा, जैसे सर्व करना चाहते हो आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार इस तरीके से यह गुलाब जामुन बनाकर देखिए। होप्स आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।